हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से शेड्यूल टू की वैकेंसी आने के बाद आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली 98,083 पदों पर पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की वैकेंसी कब आने वाली है। आपको इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, कब तक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और शेड्यूल टू की वैकेंसी के आने के बाद आएगी या फिर मेरिट आने से पहले आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, करंट अपडेट क्या इस वैकेंसी को लेकर और इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन आवेदन कर पाएगा, क्या यहां पे आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा या फिर एग्जाम होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। बेसिक जानकारी तो आप लोग यहां पर ही देख सकते हैं। जैसे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिक्रूटमेंट आएगी 2023 के लिए, दो नोटिफिकेशन पहले ही आउट कर दिए गए थे, एक एमटीएस के लिए और एक पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया, आप लोग जाके जानकारी को देख सकते हैं। बाकी यहां पे देख सकते हैं टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो टोटल आपको 98,000 से भी ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पे आपको 59,000 से ज्यादा पोस्टमैन की, 1400 से ज्यादा एमटीएस की और 37,000 से ज्यादा आपको एमटीएस की और 1400 से ज्यादा मेल गार्ड की पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। 10th पास है तो आप सभी एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। कोई भी सवाल होता है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अब टॉपिक पे आते हैं, पहले आपको इस वैकेंसी की जानकारी देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कब तक में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और आप लोग आवेदन कब से लेकर कब तक कर पाएंगे। इसके लिए पहले हमको होम पेज पे आना होगा जहां से आपको जानकारी देखने को मिलने वाली है। यहां से हम लोग आते हैं बैक और यहाँ पे हमारी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि सरकारी जॉब टीवी की है, आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट जो है तो अपडेट है और इस वैकेंसी की जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पे आके देखना होगा। दोनों नोटिफिकेशन को भी यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो लेटेस्ट जॉब के सेक्शन पे आपको कंप्लीट अपडेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, डेट अलग से कवर नहीं करेंगे, इसी वैकेंसी को कवर करेंगे, आगे डिटेल के अंदर आपको डेट भी पता चल जाएगी। यहां से नीचे आएंगे, पहले आपको जानकारी देते हैं। देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन, 98,083 पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड की यहाँ पे आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लें और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडिया पोस्टल सर्कल की तरफ से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जहां पे पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड की आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। 98,000 यानी कि यहाँ पे 98,083 पदों पे भर्तियों के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। नोटिफिकेशन आ चुके हैं लेकिन जो नोटिफिकेशन अभी आए हैं वो ड्रॉप नोटिफिकेशन है, इसीलिए वो वैलिड नहीं है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग डेट यहाँ पे अगस्त है और आखिरी डेट सितंबर है। हो सकता है कि आपकी अगस्त महीने यानी कि जो महीना चल रहा है इसी के अंदर आपको इस भर्ती के कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और आवेदन भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलमोस्ट 2022 से पेंडिंग में है और अभी तक मौका नहीं मिला कि इस वैकेंसी को रिलीज किया जाए, क्योंकि पहले आपकी साइकिल 5 की वैकेंसी आ गई, उसके बाद स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी आ गई, अब 30,041 पदों पर शेड्यूल 2 की वैकेंसी आ गई, जिस वजह से यह वैकेंसी जो आनी है वो डिले पे डिले होती जा रही। लेकिन ये जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी है, इनको भरने के लिए इनको भर्तियों के नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन कैसे करेंगे, ऑनलाइन आवेदन होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझ लेना चाहिए। देखिए, तीन तरह की पोस्टें हैं, एक पोस्ट आपकी एमटीएस की है, एक पोस्ट आपकी पोस्टमैन की है, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, और एक पोस्ट आपकी मेल गार्ड की है, ठीक है। अब देखिए, एमटीएस की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास होना चाहिए, ठीक है।
टेंथ पास, लेकिन अगर आप लोग जेडीएस की पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं तो फिर यहाँ पे आपका कोई भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमटीएस के लिए दसवीं पास आवेदन करेंगे, लेकिन जीडीएस की पोस्ट में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगली पोस्ट है पोस्टमैन की, यहाँ पे आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन आपका बारहवीं पास चाहिए होगा, और अगर आप जीडीएस की पोस्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे केवल और केवल टेंथ पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं यानी कि आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो आपका बारहवीं पास होना कंपलसरी है। अगर आपने जेडीएस की पोस्ट पे सिलेक्शन पाया है तो आप दसवीं पास है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए नॉर्मल बारहवीं पास कैंडिडेट आवेदन करने वाले हैं। इसी तरीके से मेल गार्ड के लिए भी बारहवीं पास चाहिए होगा, लेकिन अगर आप जेडीएस की पोस्ट पे सिलेक्टेड है तो आप केवल और केवल टेंथ पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। कुल मिला के घुमा फिरा के बात यह है कि एमटीएस में आवेदन करने के लिए टेंथ पास, लेकिन जो ऑलरेडी जेडीएस की पोस्ट पे है उनका क्वालिफिकेशन चेक नहीं किया जाएगा। बाकी दोनों पोस्ट मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए बारहवीं पास, और जेडीएस वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए दसवीं पास, ये क्वालिफिकेशन है। उसके बाद उम्र देखिए, जब भी उम्र सीमा आएगी तो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन, सबसे इंपोर्टेंट सिलेक्शन आपका कैसे होगा, एग्जामिनेशन, मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान रखिए, जब पोस्टमैन की पोस्ट पे आपको फॉर्म भरना होगा वहां पे आपको एग्जाम देना ही देना होगा, क्योंकि वहां पे मेरिट बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होगा, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपको जो है तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना ही होगा। बाकी अगर नियम में चेंजेस करके मेरिट कर दे तो उसमें कोई गारंटी नहीं होने वाली। वेतन की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 25,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक वेतन देखने को मिलेगा। एक कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस पोस्ट ऑफिस के रूल के हिसाब से रहेगी, जनरल ओबीसी का 100 रुपए और बाकी जितने भी रिजर्व कैंडिडेट हैं, जैसे कि यहाँ पे एससी एसटी पीएच एडब्ल्यूएस महिलाएं बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगी। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन शुरू होगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन को ऐड करके रखा है, आप लोग क्लिक यहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको एमटीएस का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूं, आप लोग क्लिक यहां पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव के अंदर आपका ये नोटिफिकेशन ओपन होगा। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन लोडिंग ले रहा है और कुछ ही टाइम पे लोड लेके ये ओपन हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझा सके। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको देखने के लिए आपको पहले यहाँ पे देखना होगा ये नोटिफिकेशन कहां से आया हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन एक्चुअल में 30 सितंबर 2022 यानी 30 सितंबर 2022 को ही आउट किया गया था। इसके अंदर केवल और केवल वैकेंसीज का लेखा जोखा है, और इसके बाद नवंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर मेल गार्ड के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही साथ पोस्टमैन के बारे में। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपकी वैकेंसीज है। देखिए यहाँ पे एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी हो गई, 37,539 नंबर ऑफ वैकेंसी, ग्रुप सी की पोस्टें मिलेंगी और लेवल एक में आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो इसमें जानकारी दी गई थी वो ये है कि 18 से 25 साल के कैंडिडेट आवेदन करेंगे और एजुकेशन में 10th स्टैंडर्ड, ध्यान रखिएगा जो बातें मैंने आपको बताई, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एंड कैजुअल लेबरर, यानी कि जो भी जीडीएस के पदों पर सिलेक्ट है, जो कैजुअल लेबरर हैं उनको कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, ठीक है। ये तो पहला नोटिफिकेशन हो गया। इसके बाद अगर आपको दूसरा नोटिफिकेशन देखना है तो आपको सिंपली काम करना है, वेबसाइट पे आना है, यहां पे आने के बाद आपको इस क्लिक करके बटन पे क्लिक करना है। अभी ये जो नोटिफिकेशन है हम इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं, ये पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पे नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि हमारे सामने ओपन हो चुका है, इसकी डेट को ध्यान रखिए 15/11/2022 यानी कि 15 नवंबर के दिन ये नोटिफिकेशन आउट किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और ये पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए नोटिफिकेशन था। यहाँ पे देखिए पोस्टमैन और
मेल गार्ड। इस नोटिफिकेशन में ये डिस्कस हुआ था कि ये वैकेंसियां जो है तो खाली है, इनको फुलफिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनमें कोई भी जो है तो प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा है। चलिए दिखाते हैं इसमें कितनी वैकेंसी थी। यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं पोस्टमैन की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको 59,099 पोस्टें थी 2022 तक, अब ये और बढ़ चुकी होंगी डिपार्टमेंट के आवश्यकता अनुसार। ग्रुप सी की पोस्टें थी 21,700 से, यहाँ पे आपको 69,100 रुपए का वेतन है। डीए वगैरह मिला के 25,000 रुपए इनहैंड में आपको स्टार्टिंग का वेतन मिलेगा। क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिए, 18 से 27 साल नॉर्मल एज है, छूट के साथ में 37 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 12th स्टैंडर्ड पास, ठीक है, 12वीं पास आवेदन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखिए इसको, 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग एज ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि जो भी ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए केवल और केवल 10th पास यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेल गार्ड के बारे में, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन के अंदर नीचे आएंगे तो आपको मेल गार्ड की वैकेंसी की डिटेल भी देखने को मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। देखिये यहाँ पे आपको दो नंबर करके मेल गार्ड की रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। 1,445 पोस्टें हैं, ग्रुप सी की पोस्टें हैं, 21,700 से 69,100 रुपए का वेतन आपको देखने को मिलेगा। इसकी एज 18 से 27 साल ही है, सेम टू सेम, और 12th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 10th पास वो कैंडिडेट जो कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर सिलेक्टेड है, काम कर रहे, वो 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इनका दो चीज और यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, देखे, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज होना चाहिए, और जहां के लिए भी आवेदन कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, दो चीजें। और ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सरकारीjobtv.com वेबसाइट पे आएंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं एक बार आपको वेबसाइट पे ले चल के दिखा देता हूं, पहले इसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे ताकि आपको हम इसको बैक करके जानकारी को दिखा सकें। अभी देखें ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, गूगल पे आप लोग जाएंगे, सिंपली आप लोग टाइप कर सकते हैं सरकारीjobtv.com, ध्यान रखिएगा सरकारीjobtv.com, ठीक है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप कंप्लीट जानकारी को देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दिखाई गई सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि अगस्त या सितंबर में आपके कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाए और आवेदन शुरू हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।